तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो परचेस करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने अपग्रेड पास पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो परचेस करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है गाइस। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस अपना जो रॉयल पास है, जो मंथ 14 का रॉयल पास है, उसे जो परचेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ कि कैसे इसे आप जो परचेस कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आपको जो तरीका है वो यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको नहीं पता हमारे चैनल पर चल रहा है रॉयल पास गिव अवे, तो जैसे ही हमारे जो 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं किन्हीं दो बंदों को रॉयल पास देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ अपने आरपी में। और यहाँ पे अभी मैंने आपको एक बंदे के पास दिखाया था कि यहाँ पे एक बंदे ने जो है रॉयल पास ले लिया, जो कि यहाँ पे रैंक में एक ही बंदे के पास था। तो अभी उसका जो रैंक है यहाँ पे 43 यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो आप जो है। और बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने अभी जो अभी तक जो है रॉयल पास ले लिया है। तो अभी इन्होंने ये कौन सा ट्रिक जो है यूज़ करके रॉयल पास लिया है, आज के इस वीडियो में आपको जो सारा कुछ जो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। और आज के वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो ट्रिक आया है ये जो है क्या जेन्युइन है, या जो है थोड़ा बहुत इस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कितने सारे बंदों ने जो अभी तक जो है रॉयल पास परचेस कर लिया है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैं अपग्रेड पास पर जो है क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर जो है दोबारा मुझे जो है भेज देता है यहाँ पर। और बाकी अपना जो इजेड लाइसेंस है इसके ऊपर भी मैं आपको जो है क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो इजेड लाइसेंस है इस पर भी क्लिक करने पर ये स्क्रीन पर जो है भेज देता है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे क्या अभी निकाला जा रहा है ये आपको जो है बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैं एक और बार आपको जो क्लिक करके दिखा देता हूँ अपग्रेड पास पे, तो ये जो बाहर भेज देता है। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया था, यानी कैमरे से मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ पे जो दूसरा मोबाइल है मेरा, तो इसमें मैंने अपना जो BGMI प्ले किया है। तो अभी आपको जो स्टार्टिंग में इसमें भी जो दिखा देता हूँ, क्योंकि अपना जो BGMI है उसमें जो प्ले करने पर, जैसे मतलब स्टार्टिंग में आपको जो है रॉयल पास अपग्रेड ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा जो गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो होने देते हैं, उसके बाद आपको जो बताता हूँ। यहाँ पे तो अभी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस यहाँ पे, क्योंकि इस मोबाइल का स्पीड थोड़ा स्लो है यहाँ पर। तो देख सकते हो मेरा जो आ चुका है स्क्रीन पर। अभी मैं इसको जो है कट कर देता हूँ, उसके बाद अपना जो रॉयल पास है इसमें चलते हैं जल्दी से, और आपको जो है दिखाते हैं इसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार क्लिक करने पर जो है थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे, तो दोबारा मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने अपग्रेड पास पर जैसे क्लिक किया तो ये स्क्रीन पर जो है भेज दे रहा है इसमें भी। तो अभी मैं आपको जो है इजेड लाइसेंस वाला जो ऑप्शन रहता है उस पर अभी जो है क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इजेड लाइसेंस पर मैंने क्लिक किया तो इस पर भी जो है स्क्रीन पर भेज दे रहा है। तो अभी आपको इसको जो है फिक्स आउट कैसे करना है और क्या ट्रिक का आपको जो है यूज़ करना है, तो इसके बारे में आपको जो है बता देता हूँ। तो इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है, ये मतलब जो ट्रिक मुझे पता चली है, ये चली है प्यारा भालू YT के वजह से। तो उनके चैनल का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आपको पहले जो फाइल को डाउनलोड कर लेना प्यारा भालू YT के चैनल पे जाके, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का जो लिंक मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करने के बाद अपने को इस फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, एंड्रॉयड वाले फोल्डर में आना, उसके बाद जो है यहाँ पे डाटा वाले फोल्डर में आ जाना है। और यहाँ पे अपना जो BGMI है इसको पहले जो है सर्च कर लेना है यहाँ पर। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं जेड आर्चीवर का जो है यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो BGMI मिल जाता है इसका फोल्डर, उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद UEA4 गेम पर क्लिक करना है, उसके बाद शैडो ट्रैकर पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव गेम पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे PAKS वाले फोल्डर पर क्लिक करना है, उसके बाद ODPAKS पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो फाइल को पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इतना सारा जो काम है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फाइल को किस जगह पर पेस्ट करना है। यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, अपना होम स्क्रीन पर आ जाना है, और यहाँ पर आ जाने के बाद अपना जो गेम है या अपना जो फाइल है वो सारा यहाँ पे कट कर देना है। तो अपना जो गेम है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद अपना जो गेम है यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेना है, एक बार दोबारा से स्टार्ट करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो गेम है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, अपना जो गेम है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ कि अपना जो फाइल है मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है, उसके बाद क्या अपन जो रॉयल पास परचेस कर सकते हैं, क्या रॉयल पास को अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं, तो सारा कुछ जो डिटेल मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा गाइस, एक एक चीज़ मैंने आपको जो स्टेप बाई स्टेप जो बताया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी मेरा जो गेम है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए गाइस, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो अभी लोडिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको जो गेम के अंदर ले जा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए मेरा जो गेम है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है।
तो ये जो इवेंट वगैरह आता है मैं इसको जो है कट कर देता हूँ यहाँ पर, और अपना जो रॉयल पास है इसमें आपको ले जा करके दिखा देता हूँ। तो मैंने आरपी पर जो क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो अपना लेआउट वगैरह वो सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अपना जो देख सकते हो स्टन ग्रेनेड का स्किन हो गया या बाकी का रिवॉर्ड है यहाँ पे, ये सारा कुछ आपको जो अभी दिखाई देने लगा है जो कि पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी मैं अपग्रेड पास पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दोनों तरफ परचेज करने का ऑप्शन आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो देख सकते हो गाइस अपना जो फाइल है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर आप इसको जो करना चाहते हो तो ये तरीका मैंने आपको जो बता दिया, आप यहाँ से जो अपग्रेड भी कर सकते हो, या जो नॉर्मली इलाइट पास लेना है या फिर जो इलाइट पास प्लस लेना है दोनों आप जो परचेस कर सकते हो। आपको जो डिस्काउंट वाउचर है वो भी आपको यूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये आपको दिखा दिया, ये मेरा जो मतलब फ्रेंड का आइडिया इसमें मैंने आपको ये दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आप जो रॉयल पास परचेस कर सकते हो। अभी जो है ये तरीका जो कितना ज़्यादा जो सक्सेसफुल होने वाला है या थोड़ा बहुत जो है इस पर रिस्क रहने वाला है ये मैं अभी आपको जो बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इजेड लाइसेंस भी जो परचेस करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ये तरीका है गाइस यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो ऑफिशियल तरीका है जिससे अभी जो रॉयल पास कोई भी परचेस नहीं कर पा रहा है, सभी ने जिस तरीके से जो रॉयल पास परचेस किया है वो इस ट्रिक के जरिए जो है किया है। तो अगर आपको जो परचेस करना है तो कर लीजिएगा, आपका ये रिस्क रहेगा गाइस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप जो थोड़ा बहुत और वेट कीजिएगा, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा तभी आप जो रॉयल पास को परचेस कीजिएगा। अगर आपको अभी भी करना है तो इस ट्रिक के जरिए कर लीजिएगा। इसमें आपको मैंने बता दिया क्या रिस्क रहने वाला है या नहीं, या आपका आईडी भी जो बैन हो सकता है गाइस यहाँ पे। तो बस भाई लोग आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है रॉयल पास गिव अवे। तो जैसे ही हमारे जो 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं किन्हीं दो बंदों को रॉयल पास देने वाला हूँ। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।